Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel Nursing Notes। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में। यह टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग GNM नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन इज द किलिंग और रिमूवल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड स्पोर विच आर हाईली रेजिस्टेंट। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किलिंग करना और रिमूव करना, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल फॉर्म या फिर स्पोर फॉर्म में हो सकते हैं, इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन है, स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाई विच द आर्टिकल सरफेस और मीडियम फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन द वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट। यानी कि इसके अंदर भी जो आर्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर सरफेस और जो मीडियम होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उससे फ्री करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। ये थी इसकी सेकेंड डेफिनेशन। नेक्स्ट अब बात करेंगे डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन। डिसइंफेक्शन इज द डिस्ट्रक्शन और रिमूव ऑल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसके अंदर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको रिमूव करना या फिर डिस्ट्रक्शन करना। ये थी डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट अब बात करेंगे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसके कौन कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट वन फिजिकल मेथड एंड सेकेंड वन केमिकल मेथड। तो फर्स्ट देखेंगे फिजिकल मेथड, सनलाइट। फर्स्ट फिजिकल मेथड कौन सा है? सनलाइट। सेकेंड फिजिकल मेथड कौन सा है? हीट। हीट मोस्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज अगेन टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ हीट्स यूज। ठीक है, अगेन ये वापस दो भागों में डिवाइड है, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। तो सबसे पहला मॉइस्ट हीट मेथड, हर हीट इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और जस्ट बॉइलिंग। इसके अंदर जो हीट है वो स्टीम फॉर्म में या फिर डायरेक्ट बॉइलिंग के थ्रू हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर बॉइलिंग, पाश्चुराइजेशन एंड यूज ऑफ स्टीम लाइक ऑटोक्लेव। ठीक है, ये मॉइस्ट हीट के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ड्राई हीट मेथड, हर द सब्सटेंस और सब्जेक्ट टू ड्राई हीट लाइक फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन एंड रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्सटेंस होता है वो हीट के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन एंड रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट फिजिकल मेथड में रेडिएशन मेथड एंड फिल्ट्रेशन मेथड आते हैं। तो ये हमारे चार मेन फिजिकल मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के। नेक्स्ट होता है केमिकल मेथड, जिसके अंदर फर्स्ट है एल्कोहल, सेकेंड है एल्डिहाइड, थर्ड वन है फिनोल्स, फोर्थ वन है डाइज, नेक्स्ट फिफ्थ वन है हेलोजन एंड सिक्स वन है केसेस। तो ये थे केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो ये थे फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, शॉर्ट नोट्स है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।